हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फिनिशियल बाजार में आपका फिर से स्वागत है। और बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम लॉट्स ऑफ कंपनीज के रिजल्ट से रिलेटेड आज की डेट में आए थे, और कल एक दो कंपनी के रिजल्ट छूट गए थे क्योंकि जब तक वीडियो बनी थी तब तक उनके रिजल्ट आए नहीं थे। तो आज भी ऐसे ही कुछ कंपनी के रिजल्ट छूट जाएंगे, बट नॉट इशू, कल की डेट में हम बातें कर लेंगे। और अगर बात करें आज की डेट में, तो बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट थे। तो आज जो मेन कंपनीज जो जिनके बारे में हम रेगुलरली बातें करते रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम बातें करेंगे, जानेंगे उनके रिजल्ट से रिलेटेड। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल बॉस ऑफ फिनिशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। नीचे लिंक दे रखे है, अगर आपको ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन कराना है क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन होगा। एज वेल एज यहां पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, यहां पर क्लिक करें। एंड यहां पर आपको, अगर आप बिगनर है तो आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज बनाई गई है, उन्हें जाके देखिए, उन नोट्स बनाइए, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली शेयर बाजार है क्या। और आज की डेट में यहां पर SCL टेक्नोलॉजी में ब्रेकआउट है, इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा। आज बहुत सारे स्टॉक्स रिलेटेड न्यूज़ थी, उससे रिलेटेड बातें करी। अंबर इंटरप्राइजेज बेहतरीन रिजल्ट के बाद भी गिरता हुआ नजर आया और एक घंटे में 45,000 शेयर से ज़्यादा खरीदते हुए दिखाई दिए। तो इनसे रिलेटेड वीडियो को देख लीजिएगा, टेक्निकल के बारे में भी नॉलेज आपको आ जाएगी। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक करके कंपनी। एल्कम लैबोरेटरीज, अगर बात करें यहाँ पर दो तीन लैबोरेटरीज के ऑलरेडी रिजल्ट आ चुके हैं, जैसे कि लाल पैथ लैब एंड थायरो केयर। तो अब बात करते हैं एल्कम लैबोरेटरीज से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ₹5 का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स के लिए। और इसके रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी इनके रिजल्ट। तो अगर बात करें इन मिलियंस में रिजल्ट है ये, इस क्वार्टर के Q3 के Q4 के रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें तो 22,384, इससे पहले 24,000, इससे पहले 20,000 लैक्स मिलियन से रुपीज़ था। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे तो जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पर टोटल इनकम में यहाँ पर गिरावट हमें नजर आ रही है। इसके अलावा बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस यहाँ पर देखिए क्वार्टरली ईयरली वाइज यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इनकम ज़्यादा, इनकम कम होती जा रही है, एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है लॉस होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखते हैं 19,802 मिलियन रुपीज़, इससे पहले 18,000, इससे पहले 18,411। तो यहाँ पर बात करें एक्सपेंस यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखते हैं तो 2,492 मिलियन रुपीज़, इससे पहले 4,638 मिलियन रुपीज़, इससे पहले 1,915 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। अगर बात करें ईयरली वाइज तो यहाँ पर जंप है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर बहुत अच्छी वाली, मगर बात करें तो हाफ यहाँ पर गिरावट है। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी बात करें दूसरी कंपनी से रिलेटेड, अगर डॉक्टर लाल पैथ लैब के रिजल्ट भी लगभग इसी तरीके से आते हुए दिखाई देते, बट इतने गिरे हुए नहीं थे। बात करें EPS की, ₹20 का EPS इस बार, 37 का लास्ट टाइम था, ₹15 का एक साल पहले था। तो यहाँ पर एल्कम लैबोरेटरीज से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन कंपनी मार्केट में मौजूद है। कैंप्स की बात करें, ओके ये शेयर अभी आया था, हुआ दिखाई दिया था, न्यू लिस्टेड कंपनीज है, कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विस आई थिंक इसका पूरा नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर बात करते हैं यहाँ पर डिविडेंड की, तो यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, देख सकते हैं ₹11.84 का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया। और इसके रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट से काफ़ी आशा है, तो यहाँ पर रिजल्ट शायद अच्छे आते हुए हमें दिखाई दे। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इन लैक्स में ये रिजल्ट है, टोटल रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,248 लाख रुपीज़, से पहले 20,975, से पहले 16,566। तो ईयरली बेसिस पे तो जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो यहाँ पर गिरावट होती है, हमें साफ नजर आ रही है। तो थोड़ा इस चीज़ को देखिएगा। टोटल एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 12,107, से पहले 11,000, से पहले 10,000। तो एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 5,318 लाख रुपीज़, से पहले 74,000, से पहले 4,022 लाख रुपीज़ था। अगर बात करें ईयरली बेसिस पे तो जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हमें साफ नजर आती है, जो कि EPS से भी आपको पता चल जाएगा। तो अगर इसका EPS देखते हैं तो ₹10.90 का EPS है, इससे पहले ₹15 का EPS था, इससे पहले ₹8। तो यहाँ पर EPS से भी आपको पूरी कहानी यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। तो अगर बात करें ये कंपनी का नाम था कैम्स, जिसने डिविडेंड भी दिया है, तो कंपनी तो अच्छी है, लॉन्ग टर्म के व्यूज है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है। इमामी लिमिटेड FMCG का दिग्गज शेयर है, तो इसके रिजल्ट से रिलेटेड अगर बात करें तो आइए इसने डिविडेंड दिया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर डिविडेंड अनाउंस किया है तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर हम सीधे रिजल्ट की तरफ चाहते हैं, क्योंकि वी हैव टू लाइक कवर अप लॉट्स ऑफ वीडियोस और लॉट्स ऑफ रिजल्ट ऑफ द कंपनी। अगर बात करें यहाँ पर इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, तो अगर देखते हैं टोटल इनकम तो 77,726 यहाँ पर लैक्स इन रुपीज़, इससे पहले की बात करें तो 94,000, इससे पहले 54,000। तो ईयरली बेसिस पे जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पे बहुत अच्छी गिरावट है।
टोटल एक्सपेंस की बात करें 56,796, इससे पहले 59,000, इससे पहले 43,000। तो एक्सपेंस ईयरली बेसिस बढ़े, क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ी बहुत गिरावट है। अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स, तो पैट की बात करते हैं तो 8,773 लाख रुपीज़, इससे पहले 20,000 था, इससे पहले 2,275। तो ईयरली बेसिस तो लगभग 4x यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बट क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है, इसे दरकिनार नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी हो क्वार्टरली ईयरली वाइज तब अच्छा खासा शेयर भागता हुआ नजर आता है। ईपीएस देख लिए 1.97 रुपये का इस बार, और लास्ट टाइम 4.70 रुपये का, इससे पहले 51 पैसे का ईपीएस था। तो ईपीएस भी पूरी कहानी यहाँ पर बता देता है। तो इमामी से अच्छे अच्छे स्टॉक है जिन्होंने अच्छे रिजल्ट पेश करे, जैसे कि मैरिको एज वेल एज अगर बात करें अचीवल, तो उनके साथ आप ज्यादा बने रह सकते हैं। सूर्या अगर बात करें, सूर्य रोशनी, लास्ट टाइम इसके रिजल्ट काफी बेहतरीन थे, तब से मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ। शेयर काफी भागा भी है, 1.5 रुपये का डिविडेंड आपको देती हुई कंपनी नजर आई है। इसके रिजल्ट अगर देखते हैं लास्ट टाइम के, तो अच्छे थे, इस बार के अगर देखने पड़ेंगे। इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, अगर बात करते हैं टोटल इनकम, तो यहाँ देख सकते हैं 1,72,300 1,57,000, इससे पहले 1,33,000। तो कंपनी ने ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म किया, जो कि अच्छी बात है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 1,64,000, 1,50,000, 1,30,000। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ईयरली क्वार्टरली बेस पे। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, 5,830, इससे पहले 5,530, इससे पहले 2,955। तो क्वार्टरली बेस पे तो यहाँ पर अच्छे खास जंप है ही, बट ईयरली बेसिस पे और बेहतरीन जंप है। तो कंपनी के साथ बने रह सकते हैं, भागता हुआ नजर आएगा। इससे रिलेटेड पूरी वीडियो बना रखी है एनालिसिस करके, लिंक मिलेगा तो ऊपर दे दूंगा, अदरवाइज यहाँ पर हमारी वीडियो में जाके आप सर्च कर सकते हैं बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार सूर्य रोशनी, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर ईपीएस की, तो यहाँ पर ईपीएस देख सकते हैं 10.87 रुपये का इस बार का ईपीएस है, 10.31 रुपये का लास्ट टाइम था, 5.43 रुपये का एक साल पहले यहाँ पर ईपीएस हुआ करता था। तो ये थे सूर्य रोशनी। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरी कंपनी टीटी के प्रेस्टीज, अगर बात करते हैं इसके कुकर वगैरह आते हैं, आप इसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको एक पता चलेगा कि ये कंपनी किस में डील करती हुई नज़र आती है। यूटीसी में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। डिविडेंड की बात करें, 30 रुपये का ये डिविडेंड है, और लग शेयर भी काफ़ी महंगा नज़र आता है, 4 हज़ार के आसपास, 5 हज़ार के आसपास ये शेयर है। और इससे रिलेटेड का वीडियो बनाई नहीं है, बट डेफिनेटली अगर रिजल्ट अच्छे होंगे तो बनाएंगे। इन करोड़ में यहाँ रिजल्ट है। अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है, यहाँ पर ये देख सकते हैं 560 करोड़ के इस बार के इनकम है, इससे पहले 687, इससे पहले 390 के आसपास। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर ईयरली बेसिस पे तो जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पे 127 करोड़ की यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ईयरली बेसिस पे बढ़े हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, तो यहाँ पर ये कहानी शायद बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड 82 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 86 था, इससे पहले 20। तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म किया है, बट क्वार्टरली बेसिस की बात करें थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट हमें साफ नजर आती है। और अगर ईपीएस भी देख लेते हैं तो यहाँ पर ईपीएस आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिक ईपीएस 59 रुपये का इस बार का ईपीएस, इससे पहले 62 था, इससे पहले 15। तो कंपनी ने रिजल्ट अच्छे खासे पेश करे, इतना चल जाता है थोड़ा बहुत, बट कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। टीटी के प्रेस्टीज वीआईपी अगर इसकी बात करते हैं, तो राकेश झुनझुनवाला की भी आई थिंक इसमें काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं, इन करोड़ में यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर में। अगर हम बात करते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट की, तो स्टैंड अलोन और उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, डिपेंड करता है कि उसके साथ बिजनेस कौन से कंपनी काम करती है। टोटल अगर बात करते हैं यहाँ पर रेवेन्यू की, तो यहाँ देख सकते हैं 257 करोड़, इस बार 239, इस बार 315। तो ईयरली बेसिस पे गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर जंप है। टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं, 273 एक्सपेंस है, इससे पहले 248, 321। तो ईयरली बेसिस पे गिरावट है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर एक्सपेंस में जंप है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात कर लेते हैं, तो 12 करोड़ के माइनस में है, इससे पहले 8 करोड़, इससे पहले 5 करोड़। तो कंपनी से दूर रही है, ओके, कंपनी अच्छी नहीं है वीआईपी। एज वेल एज बात करते हैं टीवीएस श्री चक्रा, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टीवीएस श्री चक्र चक रही है, 1900-2000 के लगभग यहाँ पर शेयर प्राइस है, 30 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट, तो यहाँ पर इन करोड़्स में यहाँ पर रिजल्ट है,
होप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें तो 584 करोड़ की इस बार का इनकम है, इससे पहले 553, इससे पहले 421। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर जंप नज़र आ रहा है यहाँ पर इनकम में। एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस यहाँ पर देख सकते हैं 539, इससे पहले 507, इससे पहले 423। तो यहाँ पर एक्सपेंस भी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं 34 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 34 करोड़ 66, इससे पहले 24। तो फ्लैट है यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर यहाँ पर अच्छा खासा जंप है। तो कंपनी के साथ बने ये अच्छा खासा आगे चल के परफॉर्म करेगी अगर ईवी में आ जाती है। तो बेसिक ईपीएस 44.54 रुपये का, इससे 45.27 रुपये, से पहले 32 रुपये। तो यहाँ पर अच्छी खासा है, मतलब फ्लैट यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट है, बट ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पर जंप है, तो बने रही है। यहाँ पर बात करते हो रॉफ फिला एक कंपनी है, इससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर ईपीएस की, तो सॉरी डिविडेंड की, तो 1.5 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड, 1.30 रुपये का डिविडेंड देती हुई नजर आई है। अगर इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, यहाँ पर देखते हैं तो टोटल इनकम 10,108, इससे पहले 7,153, इससे पहले 5,287। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे टोटल एक्सपेंस में जंप है, और एक्सपेंस सॉरी टोटल इनकम में जंप है। टोटल एक्सपेंस की बात करें वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 8,600, इससे पहले 5,800, इससे पहले 4,700। और अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 1,130 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले सॉरी 1,130 लाख रुपीज, इससे पहले 980, इससे पहले 401। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ पर लगभग 3 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर जंप है। तो कंपनी करती गया है, इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो हम बनाएंगे और देखेंगे कंपनी एग्जैक्टली करती गया है। 2.07 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 1.95 रुपये, इससे पहले 1.87 रुपये का ईपीएस था। तो ईपीएस भी बढ़ता हुआ दिखा रहे दे रहा है। कंपनी का नाम है रूफ फिला इंटरनेशनल लिमिटेड, ये याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं रैमको सिस्टम। रैमको सिस्टम का शेयर ऑलरेडी हमारे पास है, हमने एक ब्रेकआउट पकड़ा था और हमने ये नीचे लेवल पर लिया था 580 के आसपास, और मैंने आपको बताया भी था वीडियो बना के कि ये कंपनी भागती हुई नजर आएगी। उसके बाद लगभग 90 रुपये शेयर 100 रुपये के लगभग बढ़ चुका है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड दिया है या नहीं, यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है डिविडेंड। फिर भी अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया होगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये विजय केडिया की काफ़ी मनपसंद कंपनी है, 87 रुपये 80 रुपये से शेयर चलता हुआ लगभग लगभग 700 रुपये पर गया था। तो मल्टी बैगर रिटर्न इसने इस साल लास्ट ईयर दिए थे, बात करें उसके बाद से ये गिरावट हुई इसमें। तो हमने बीच में एक्यूमुलेट किया था इन मिलियंस में, यहाँ पर रिजल्ट है। अगर बात करें यहाँ पर टोटल इनकम की, तो यहाँ पर देख लीजिए 901 मिलियन रुपीज़ के यहाँ पर टोटल इनकम है इस बार, इससे पहले 1,000 था, इससे पहले 757। तो एक क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट है, बट ईयरली बेसिस पे जंप है यहाँ पर। यहाँ पर देख लेते एक्सपेंस, तो एक्सपेंस यहाँ पर देख लीजिए 713 करोड़ के यहाँ पर 713 मिलियन रुपीज़ के एक्सपेंस है, इससे पहले 705, इससे पहले 371, जो कि बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 106, ओके इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पर देखिए 106 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 165, इससे पहले माइनस में कंपनी थी। तो ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर बात करें यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे, तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर लगभग अगर बात करें 59 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट है। फ्लैट रिजल्ट भी कह सकते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। यहाँ पर ईपीएस भी देख सकते हैं 3.46 रुपये, 5.39 रुपये, इससे पहले नेगेटिव में था। तो कंपनी ईयरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म किया, बाकी देखते हैं कल मार्केट में किस तरीके का यहाँ पर रेस्पॉन्स होता है। बट मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा कल के दिन में, अगर यहाँ पर मुझे एक मौका मिलेगा तो यहाँ पर से निकलना मैं पसंद करूँगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर एनआर अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड, ओके तो यहाँ पर इसके यहाँ पर 1 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने पे करते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी करती क्या वो मुझे भी नहीं पता, एक बार देखेंगे। इन लैक्स की बात करते हैं रिजल्ट अच्छे हुए तो टोटल इनकम की बात करें तो 34,643 लाख, इससे पहले 33,000, इससे पहले 34। तो ईयरली बेसिस पे लगभग फ्लैट है, क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे खासा यहाँ पर जंप है। अगर बात करते हैं एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 944 लाख रुपीज़, इससे पहले 1551, इससे पहले 3600। तो कंपनी ने का जो प्रॉफिट है गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो दूर रहिए इससे, ओके थोड़ा सा और देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं है। मुक्ता आर्ट्स की बात करते हैं, ओके ये भी काफ़ी टीवी पे मोस्टली बताया जाता है, सीएनबीसी या आवाज या दूसरे चैनल्स पे, मुक्ता आर्ट्स, मुक्ता आर्ट्स। तो आज इसके रिजल्ट भी देख लेते हैं किस तरीके के।
डिविडेंड की बात करें तो आई डोंट थिंक सो डिविडेंड कंपनी ने दिया है, बट अगर हम बात करते हैं अपन इनके रिजल्ट से रिलेटेड तो इनके जो रिजल्ट है इन लैक्स में है। ओके, ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके रिजल्ट, टोटल रिवेन्यू देख लीजिए 547 लाख, इससे पहले 1154, इससे पहले 719। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस दोनों पे यहाँ पर गिरावट है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी ईयरली बेसिस पे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट है। और यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो नेगेटिव में यहाँ पर इनके इनका प्रॉफिट है, तो थोड़ा सा दूर रही है इस कंपनी से, अच्छे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है मुक्ता आर्ट्स। एज वेल एज बात करते हैं मुकंद लिमिटेड के रिजल्ट ऑन टाइम, मतलब मार्केट के टाइम पे ही आ गए थे। बात करें डिविडेंड की तो डिविडेंड कंपनी ने यहाँ पर दिया रिकमेंडेड डिविडेंड ऑन, यहाँ पर देख लीजिए ये इतने परसेंट का दिया है, 0.01% का, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। एक रुपये का यहाँ डिविडेंड कंपनी ने दिया है, कितने शेयर्स पे दिया है वो सब चीज़ चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर बात करें यहाँ पर इनके रिजल्ट से रिलेटेड तो हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन करोड्स में यहाँ पर रिजल्ट है, यहाँ पर देख लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 928, इससे पहले 781, इससे पहले 726। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे जंप है। एक्सपेंस की बात सॉरी यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 1564, इससे पहले 794, इससे पहले 740। तो यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे जंप है। एक्सपेंस की बात करते हैं तो 1186 लैक्स करोड़ का, करोड़ में लैक्स में एक मिनट देख लेते हैं, इन करोड़स में यहाँ पर है सब कुछ। तो यहाँ पर 1186 करोड़, इससे पहले 830, इससे पहले 819 करोड़। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देख लीजिए 227 करोड़, इससे पहले नेगेटिव में कंपनी, जो कंपनी नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गए, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न रिजल्ट पेश करे, 16 रुपये का EPS यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। मुकंद कंपनी का नाम है, करती क्या है एक बार हम देख लेंगे। जॉनसन हिटाची ऑलरेडी मैंने हर लेवल पर आपको बताया है, 2300 आसपास शेयर चल रहा है, आज की डेट में भागता हुआ दिखाई दिया था। ऑनलाइन रिजल्ट काफी अच्छे आए आई थिंक, और बात करें 3-4% भागा था, फिर उसी रेट पे आ गया था। और ये लॉन्ग टर्म के व्यू से काफी बेहतरीन शेयर है, मेरे पास काफी टाइम से ये शेयर रखा हुआ है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, एक वो बना रखा है इसने, एक इसका खुद का एक पीरियड बना रखा है इसने। सॉरी एक मिनट दीजिएगा, ये थोड़ा हैंग हो रहा है, एक मिनट दीजिए। मुकंद अब बात कर लेते हैं, किस कंपनी हिटाची की बात कर रहे थे हम, तो अगर इसके रिजल्ट देख लेते हैं तो इसके रिजल्ट यहाँ पर है, इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है, काफी अच्छा प्रिंट नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, बट मैं यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल इनकम यहाँ पर 5829 मिलियंस इन रुपीज़ है या लैक्स इन रुपीज़ है, मिलियंस इन रुपीज़ है, इससे पहले 4891 था, इसे 43641। बात करें ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा जंप है। अगर बात करते हैं टोटल यहाँ पर एक्सपेंसेस की तो 580 मिलियन से रुपीज़, इससे पहले 4697 95 मिलियन से रुपीज़। तो यहाँ पर एक्सपेंस भी यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इतने नहीं है एक्सपेंस। और यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ दिख रहा है तो 443 मिलियन से रुपीज़, इससे पहले 306, इससे पहले 71। तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पे तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया, बट क्वार्टरली बेसिस पे और भी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। EPS देख लीजिए 16.03 रुपये का EPS है, इससे पहले 11 रुपये का था, इससे पहले 2 रुपये। तो कंपनी ने 8x यहाँ पर मतलब बात करें तो यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया। तो इस कंपनी के साथ बने रहिए, हिताची से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मिलेगी तो ऊपर डाल दूंगा, वरना हिटाची बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार के नाम से डालना तो आपको पता चल जाएगी जॉनसन हिटाची कौन सी कंपनी है। ये भी एसी से रिलेटेड कंपनी काम आती है, नजर आती है। बात कर लेते हैं इगराशी से रिलेटेड, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इसने डिविडेंड दिया है कि नहीं, यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं, तो अगर हम रिजल्ट देखते हैं टोटल इनकम देख लेते हैं, 17,000 की यहाँ पर इनकम है, इससे पहले 17,108, इससे पहले 12,000। तो इनकम यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली फ्लैट है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी यहाँ पर बढ़ते हुए क्वार्टरली ईयरली नजर आ रहे हैं। और बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर देख लेते हैं तो 1097, इससे पहले 1335, इससे पहले 217। तो ईयरली बेसिस पे जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट है। प्रॉफिट में अगर बात करें ईपीएस, तो ईपीएस से आपको सारी की सारी कहानी पता चल जाएगी। इसके अलावा हरक्यूलस हॉइस्ट लिमिटेड, ये कंपनी देखिए काफ़ी टीवी पे ये काफ़ी रिकमेंड की जाती है। ओके, छोटे छोटे शेयर है, जब जंप आता है तब जंप आता है, वरना नहीं आता। 1.5 रुपये का ये शेयर नजर, 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। एज वेल एज बात करें 110-120 रुपये के आसपास का शेयर है। और हम यहाँ पर बात करते हैं हरक्यूलिस की, तो इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें फ्रॉम ऑपरेशन तो 2943, से पहले 2300,
पर 2900, तो ईयरली बेसिस पे भी जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप है, या ईयरली बेसिस पे फ्लैट कह सकते हो। टोटल एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 260 मिलियन से रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले 209, इससे पहले 565। तो ईयरली बेसिस पे गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा जंप है, जो कि ईपीएस भी आप देख सकते हैं बट यहाँ पर घटता बढ़ता नजर आता है। गोल्ड डीएम इंटरनेशनल लिमिटेड, आई थिंक ज्वेलरी से रिलेटेड या डायमंड से रिलेटेड ये कंपनी नजर आती है, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर कंपनी के डिविडेंड, तो कंपनी 3 रुपये का शायद डिविडेंड दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके रिजर्व से रिलेटेड, तो हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। इससे रिलेटेड हमने कभी वीडियो नहीं बनाई है, बट अगर रिजल्ट अच्छे हुए तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल एज इसके रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, ये स्टैंड ऑलोन रिजल्ट है। टोटल इनकम 8208, इससे पहले 7916, इससे पहले 3620। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पर जंप है। एक्सपेंस की बात करते हैं, एक्सपेंस 6635, इससे पहले 6621, इससे पहले 3171। अगर बात करें तो ईयरली बेसिस पे एक्सपेंस बढ़े पर क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट हुई है, और यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस ईयरली बेसिस पे इनकम बढ़ी है, तो प्रॉफिट मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन आने वाला है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट, यहाँ पर देख लीजिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 1556 मिलियन लैक्स इन रुपीज़ का, इससे पहले 1001, इससे पहले 330। तो अगर बात करें ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म किया है, जो कि इसका ईपीएस भी बता देगा। अगर हम नीचे जाते हैं, ईपीएस 7 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 4.51 रुपये, इससे पहले 1.49 रुपये, और जो कि यहाँ पर भी देख सकते हैं आप सेम कहानी यहाँ पर दोहराती हुई दिखाई दे रही है, 8 रुपये यहाँ पर, सॉरी अगर हम स्टैंडर्ड लॉन्ग का फिगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा 4 रुपये का ईपीएस इस बार है 20, और यहाँ पर 1। आई थिंक यहाँ पर कंसोलिडेशन में यहाँ पर नंबर सही नहीं आते हुए दिखाई दिए, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा थोड़ा सा कंसोलिडेट। अगर नंबर देखते हैं तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 13,174, इससे पहले 15,000, इससे पहले 901। तो ईयरली बेसिस पे जंप है, क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर गिरावट है कंसोलिडेट रिजल्ट में। एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट टू फॉर द पीरियड की बात करें तो प्रॉफिट देख लीजिए 919 मिलियन से लैक्स इन रुपीज़ है, इससे पहले 4473 था, इससे पहले 283 था। तो ईयरली बेसिस पे जंप है, क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर कंसोलिडेट में यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। तो ईयरली मतलब स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ और बिजनेस इस कंपनी के हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देखना होगा इस कंपनी से रिलेटेड। गोल्डियम इंटरनेशनल इस कंपनी का नाम है। कैंप्स के रिजल्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, बजाज इलेक्ट्रिक इसके भी रिजल्ट ऑन मतलब आ गए थे टाइम पे ही जब मार्केट चल रही थी। अगर बात करते हैं इसके रिजल्ट से रिलेटेड, इसके रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आए, नेगेटिव से कंपनी पॉजिटिव में आ गई है। आई थिंक टोटल इनकम देख लीजिए यहाँ पर इन लैक्स में ही है, 1,28,000, इससे पहले 1,52,000, इससे पहले 1,31,000। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस यहाँ पर घटते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से शायद प्रॉफिट चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 5604, इससे पहले 10,000, से पहले 1,8,000। तो कंपनी के रिजल्ट इतने ठीक नहीं आए, पता ही नहीं टीवी में क्यों बता रहे थे। तो यहाँ पर गिरावट है ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे। अगर बात करते हैं यहाँ पर ईपीएस की, तो ईपीएस भी देख लिए, 5 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 8 रुपये का, इससे पहले नेगेटिव में ईपीएस चल रहा था। तो अगर बात करें जीरो मतलब नेगेटिव मतलब जीरो का ईपीएस था। तो कंपनी के रिजल्ट बेकार है। एस्ट्राजेनिका के बारे में सब क्यूरियस है, क्यों नहीं शेयर बढ़ रहा, बढ़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, एक रेंज में घूम रहा है। इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। बात करें टोटल इनकम की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस बार के रिजल्ट है। ओके, ये क्यू प्रीवियस 3 मंथ्स, और ये यहाँ पर देख लीजिए करस्पॉन्डिंग 3 मंथ्स ऑफ एंडे, मतलब ये लास्ट ईयर के रिजल्ट है Q4 के। यहाँ पर देखें तो 21,290, इससे पहले 20,000 था, इससे पहले 19,000। तो ईयरली के क्वार्टरली बेसिस पे टोटल इनकम में यहाँ पर जंप नजर आ रही है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस लगभग फ्लैट है, और ईयरली बेसिस में यहाँ पर गिरावट है बल्कि। और यहाँ पर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यहाँ पर देख लीजिए प्रॉफिट तो 2727 लैक्स का यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले 2100, इससे पहले 957। तो ईयरली बेसिस पे तो प्रॉफिट है ही है, क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रॉफिट है। तो यहाँ पर शायद कल जब मार्केट खुलेगी तो ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा। 10 रुपये का ईपीएस इस बार है, 11 के आसपास, पहले 9 का था, इससे पहले 3.83 रुपये का था। तो एस्ट्राजेनिका के नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी कंपनी की, तो मनीष मेहता यहाँ पर एक कंपनी है
सॉरी यहाँ पर ये थे और कंपनी का नाम दूसरा है आई थिंक, यहाँ पर देख लीजिए अजमेरा रियलिटी, सॉरी अजमेरा रियलिटी यहाँ पर कंपनी का नाम है। यहाँ पर अगर हम के रिजल्ट देख लेते हैं, ये शेयर भी काफ़ी फेमस नज़र आता है क्योंकि इसके बारे में बार बार डिस्कस किया जाता है। इंडेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट सीधे देख लेते हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है काफ़ी सारी। अगर यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पर देख लीजिए आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो 2248 लाख रुपीज़, इससे पहले 790, इससे पहले 408। तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा जंप लगाया है। तो अजमेरा के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आए हैं। यहाँ पर इनकम मतलब बात करें टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इनकम यहाँ पर इनकी कम होती हुई नज़र आ रही है, तो इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है। ओके, यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस पे इन्होंने कटौती कर ली है बहुत अच्छी खासी, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आईजी पेट्रोलियम, कल दो कंपनी के रिजल्ट थे, इससे रिलेटेड हमें बात नहीं कर रही थी। आईजी पेट्रोलियम इसके रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आए, 7.5 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड भी है। यहाँ पर भी सीधे यहाँ पर बात कर लेते हैं इन लैक्स में, यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, यहाँ पर सीधे टोटल इनकम देख लेते हैं 42 है, इससे पहले 31, इससे पहले 27। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे जंप है, एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ते हैं क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10,000 लाख रुपीज़, इससे पहले 6,000, इससे पहले 403। तो ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर जंप है। इसके अलावा ADF फूड्स की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है, 300 रुपये के आसपास था तब मैंने वीडियो बनाया था, आज के डेट में 1,000 रुपये के आसपास चल रहा है। 3 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड है। और इसके रिजल्ट की बात करूँ, इसके रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आए हैं, मैंने ऑलरेडी कल देख लिए थे रात के टाइम। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं और भी चीज़ें, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, सीधे मैं आपको प्रॉफिट यहाँ पर दिखा देता हूँ इसके रिजल्ट। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 1296 लाख रुपीज़, इससे पहले 1,000 था, इससे पहले 823। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट कंपनी ने करती हुई नज़र आई है। तो अगर बात करें ADF फूड्स, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है। IG पेट्रोकेमिकल्स, इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। अजमेरा रियलिटी काफ़ी बेहतरीन, एस्ट्राजेनिका काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर बजाज इलेक्ट्रिक दूर रही है, कैम्स के रिजल्ट फ्लैट आए हैं। ओके, यहाँ पर बात करें गोल्डियम स्टैंडर्ड लोन अच्छे रिजल्ट है, कंसोलिडेट गिरे हुए हैं। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर ये कंपनी की हरक्यूलस होइस्ट अच्छे रिजल्ट है आई थिंक। और बात करें यहाँ पर एक राशि, यहाँ पर रिजल्ट इनके भी ऐसे ही है, यहाँ फ्लैट नज़र आ रहे हैं। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर ये JCHAC की बात करें तो जॉनसन हिटाची काफ़ी अच्छे रिजल्ट है इसके। मुकंद की बात करें, मुकंद के रिजल्ट भी आई थिंक अच्छे ही आए हैं। और यहाँ पर बात करते हैं इस वाली कंपनी की, कौन सी है, मुकंद आर्ट्स दूर रही है इससे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इस वाली कंपनी की, ये कंपनी कौन सी है, ये NR अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड, ये कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आए आई थिंक। और रामको सिस्टम, इसके रिजल्ट फ्लैट आए हैं बट मैं कल एग्जिट करूँगा। और रूपफिला, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। बात करें यहाँ पर TVS चक्रा, बेहतरीन रिजल्ट। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर VIP इंडस्ट्री दूर रही है। एज वेल एज यहाँ पर बात कर लेते हैं इस वाली कंपनी की, ये प्रेस्टीज TT के, यहाँ पर इसके रिजल्ट भी अच्छे खासे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर इस कंपनी की, सूर्य रोशनी, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पर इस कंपनी की, ये कौन सी कंपनी है देख लेते हैं, इमामी दूर रही है। कैम्प्स के रिजल्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, और एल्कम लेबोरेटरी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आया है। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और कोई भी रिजल्ट आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट भी करना बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।